सो गुड मॉर्निंग, तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जा रहे हैं ओल्ड विद्यावासिनी, तो लुक व्यू लेते हैं। यहाँ पे साइड में ही रोड पड़ता है एक अपना, भरमात से सीधा विंध्यावासिनी जाएंगे और ये सारा व्यू है यहाँ से भरमात का। ये रेस्टोरेंट बनाया है, पता नहीं किसने बनाया है, पर यहाँ पे मैक्सिमम फॉरेनर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं। वो जो दिख रहा है उस साइड, और वो ऊपर वाली साइड जो है वो मंदिर है, जाते जाते वो भी लुक व्यू करेंगे वहाँ पे भी। और वो जो सामने रोड नज़र आ रहा है वो है अपना स्पैडू का रोड। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। यहाँ पे पास में ही एक आर्मी कैंप भी है, तो ये सारी गाड़ियाँ आर्मी की थी। ये है चंदपुर की डिस्पेंसरी भाई लोग। ये सारा जंगल से होके रास्ता जाता है ऊपर की साइड। अभी हम चंदपुर से आ रहे हैं, तो इस साइड से हम पालमपुर की साइड भी जा सकते हैं और वापस इस रोड से भी आ सकते हैं। पालमपुर नियर अबाउट यहाँ से होगा 9 किलोमीटर, तो जाते टाइम हम पालमपुर के रास्ते से जाएंगे और अभी हम चंदपुर के रास्ते से विंध्यवासिनी के लिए जा रहे हैं। और ये गया है आपका जखनी माता मंदिर, लेकिन हमें जाना है ओल्ड विंध्यवासिनी को। जखनी वाला जो मंदिर है वो किसी और दिन आपको दिखाएंगे, आज थोड़ा विंध्यवासिनी, ओल्ड विंध्यवासिनी की तरफ जा रहे हैं हम, तो ओल्ड विंध्यवासिनी का शूट मारेंगे और आपको भी दिखाएंगे। मिलते हैं हिमाचल की पहचान, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। ये सारा अपना लोना है, लोना। तो ये जो रास्ता है इस साइड वाला जो है, ये जाता है पुरानी विंध्यवासिनी के लिए, ओल्ड विंध्यवासिनी के नाम से जो जाना जाता है। यहाँ पे सारा रोड जो है वो ऑफ रोड ही है, और ये रोड जाता है जखनी माता के लिए। तो जखनी के लिए आप सीधे स्ट्रेट वे, और पुरानी विंध्यवासिनी के लिए यहाँ से टर्न होगा, ये जाता है पालमपुर के लिए। ये रोड है सारा रफ रोड है, तो ऑफ ड्राइविंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, सारा रोड ही आगे तक ऐसा ही है। रेंज ऑफ हिमालयाज, धौलाधार रेंज जिसे बोलते हैं, यहाँ पे जो पालमपुर से सामने दिखाई देती है। यहाँ पे एक काम चल रहा है रोड का काफ़ी ज़्यादा, अभी कुछ टाइम में ये पब्लिक स्पॉट मीन्स टूरिस्ट के लिए अच्छा आकर्षण का केंद्र बन सकता है आने वाले टाइम में। तो पालमपुर की गवर्नमेंट, अभी हिमाचल की गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं आप, और पालमपुर में जो अभी कांग्रेस सरकार का जो एमएलए है वो भी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यहाँ का थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह कराई जाए, रोड अच्छे बनाए जाएँ ताकि पब्लिक के लिए। ये रोड जा रहा है ओल्ड विंध्यवासिनी के लिए, और ये नीचे वाला रोड जा रहा है हाइड्रो पावर पॉइंट के लिए। ये जो आपको दिख रही है धौलाधार रेंज, ये पहाड़ जो आपको दिख रहा है इस टाइम, यहाँ से होके जाएंगे हार्डली 10 और 12 किलोमीटर का सफ़र है हमारे लिए, और आगे जाके अच्छी आपको देखने को मिलेगा व्यू के साथ। ऊपर बर्फ होगी क्या? बर्फ नहीं मिलेगी आपको, बर्फ मिलेगी आपको इन्हीं पहाड़ों पे। Okay. अगर हम पहले आते तो इधर हमें बर्फ देखने को मिलता, लेकिन हम हो गए हैं लेट, गर्मी आ चुकी है। वेट हो रहा था, वो बंदा आ चुका है यहाँ पे। अगर आपने पालमपुर आके ये जगह नहीं देखी होगी तो फिर तो आपका पालमपुर आना ऐसी है, मतलब कि आपने कुछ नहीं देखा फिर पालमपुर में, अगर आप यहाँ पे नहीं आए तो। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पालमपुर। बहुत सालों से काम चल रहा है इस रोड का, पर फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। ये जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो ये चीज़। वादियाँ जो है, ये पालमपुर की वादियाँ, आप परेशान हो गए होंगे कि ये वादियाँ कहाँ की हैं, बड़े पालमपुर की वादियाँ हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते, बड़े पालमपुर ही है भाई जी। चुंके नाड़ू, चुंके नाड़ू।
टाइम के बाद यहाँ पे आने का प्लान बना है। यहाँ पे एक फूल भी लगे हुए हैं जिसकी चटनी बनाई जाती है यहाँ पे हिमाचल में, ब्रास के फूल, ब्रास के फूल बोलते हैं उसको। क्या बोलना चाहेंगे फिर आप इस जगह के बारे में? बहुत अच्छी जगह है। दूसरे बंदों को क्या रिकमेंड करेंगे आप कि वो यहाँ पे आना चाहें या ना आना चाहें? पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे आप? पब्लिक को मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ आओ और घूमो, गलत काम मत करो और आओ। सही है, सही है, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, गलत काम ना करें यहाँ पे आके, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो गलत कामों के लिए इन जगहों का यूज़ कर रही है। तो लेकिन हम आए इधर चिल करने, लोग अपना तैयार होगा इधर। सही है, और यहाँ पे आप चिल भी कर सकते हैं, फन भी कर सकते हैं, बट गलत काम नहीं कर सकते हैं। ये जो नीचे रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, इसी रास्ते से हम ऊपर की साइड आए हैं। बंदे फंस चुके हैं क्योंकि आगे से टेम्पो आ गया है, रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड है, तो उस करके बंदों को दोबारा पीछे जाना पड़ा। हेलो भाई जी, हेलो हेलो। ये बहुत दिक्कत है यहाँ पे, बाइक फंस चुकी है, बाइक फंस चुकी है यहाँ पे। इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको अगर आप विद्यावासिनी आए तो, क्योंकि पास देने के लिए जगह कम है। हाँ, तो उस करके कोई बड़ी हैवी गाड़ी आ जाए तो निकालने के लिए मुश्किल होती है। तो बाइकें तो हमने निकाल दी हैं अभी यहाँ। ज़्यादा हाइट पे जाएंगे उतना ही नज़ारे का मज़ा आप ले पाएंगे यहाँ पे पालमपुर में। वे टू ओल्ड विद्यावासिनी, एक चेक पॉइंट है जहाँ पे आपका नंबर वगैरह ये है शायद, और ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये वो चेक पॉइंट। से कितना टाइम लगेगा? अभी हार्डली 10 मिनट का रास्ता होगा आगे, फिर हम पहुंच जाएंगे टनल के पास। आपके बाइक का नंबर रजिस्टर होगा और साथ में आपका नाम, आपका पता, आपकी आइडेंटिटी, आधार कार्ड यहाँ पे लगता है और एक गाड़ी का नंबर। यहाँ पे लोगों ने अपना इंडिविजुअल कैंप और ऐसे टेंट वगैरह लगाया हुआ है, बंदे खुद अपना सामान लेके यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे सब कुछ इन्होंने चाय वगैरह का सिस्टम चलाया हुआ है। शायद मे भी ये पंजाब से आए हैं, आगे अलाउड नहीं है विदाउट परमिशन। तो कैंपिंग भी करनी है आपको तो इस लाइन के पीछे पीछे आप कैंपिंग कर सकते हैं। चेक पॉइंट को हम क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ पे ठंड काफ़ी होती है क्योंकि सामने बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, तो बर्फ़ वाली हवा चलती है तो ठंड काफ़ी लगती है इधर। तो आप सभी को है कि मतलब पैक होके आइए एकदम, ताकि आपको ठंड ना लगे और आप बीमार। थोड़ा बारिश के टाइम पे यहाँ पे ना आए क्योंकि यहाँ पे पत्थर वगैरह भी गिरते हैं और थोड़ा रोड भी बहुत ख़राब होगा। अभी आपको मतलब सूखा सूखा रोड नज़र आ रहा है, बट बारिश के टाइम पे ये सारा ऐसा नहीं नज़र आएगा, आपका स्लिपरी हो जाएगा रोड। नज़ारा है ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा।
तहसील पालमपुर इफ इज इट पॉसिबल देन यू कैन कम हियर एंड एंजॉय द वेदर धौलाधार रेंज वाह वो सामने दिखाई दे रहा है आपने को मंदिर ओल्ड विद्यावासिनी तक पालमपुर से कितना किलोमीटर होगा ये है आपको बताया था 15 किलोमीटर होगा ये 15 किलोमीटर का रास्ता है मैं 15 किलोमीटर में आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे देखने के लिए काफ़ी अच्छे ये अपना दोस्त पहले ही पहुँच गया है ये टनल है प्रोजेक्ट ट्रैफिक टनल नो एंट्री बोर्ड तो दोस्त मेरा बोल रहा है कि अंदर जाके आते हैं वैसे अलाउड नहीं है मना किया था उन्होंने बट चलो देख के तो आते हैं है क्या ऊपर से पानी लीक हो रहा है ये टनल का काम देखिए किस तरह से किया गया है यहाँ पट्टी आगे तो कोई जाके आगे कोई लाइट मारो कुछ नहीं दिखता नहीं दिखेगा कुछ नहीं दिखता नहीं मेरे को जाने में डर लग रहा है ओल्ड विद्यावासिनी जहाँ से आपको अच्छे खासे पहाड़ नजर आएंगे बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं सो हम पहुंच गए हैं ये मंदिर से आपको सारी घाटियाँ नज़र आएंगी रोड नज़र आएंगे क्योंकि ये सबसे हाइट पे है पालमपुर की सब कुछ है तो ये है ओल्ड विद्यावासिनी पहाड़ों के बीचों बीच ये है मंदिर इसके पीछे है पहाड़ और साथ में ही एक झरना भी है बट वहाँ पे अलाउड नहीं है अब बंद कर दिया है वो रास्ता तो ये है मंदिर रास्ता ये तो बंद है यहाँ पे ताला लगा हुआ है तो दोस्तों बताओ फिर कैसा लगा आपको तो अब वापसी जा रहे हैं हम Is the one guy, but they shooting us and we are shooting him. Go 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 go! Yeah, highest point of Palampur. यहाँ से जो है ये रोड सारे पालमपुर की साइड ही निकलेंगे और ये सौरभ बन बिहार जो सामने ज़्यादा एरिया है वो सारा सौरभ बन बिहार के लिए इसकी बनती चटनी फिर आपको कैसा लगा यहाँ आके अच्छी जगह आई है बंदों को क्या बोलेंगे आप मतलब यहाँ आओ यहाँ आओ एक बार आप पक्का यहाँ का व्यू देखो यहाँ का कितना अच्छा है भाई फीलिंग ही अलग है यहाँ पर बाबा बहुत अच्छी जगह है ब्यूटी के बारे में क्या बोलेंगे आप ब्यूटी भी बहुत अच्छी है ब्रेक्स इसमें थोड़ी सी भी नहीं है मतलब पीछे वाली तो आई नहीं तो गियर पे ही कंट्रोल करनी पड़ रही है तो जब आप आए यहाँ पे तो बाइक वाइक ठीक करके ही लाएँ ब्रेक्स वगैरह टाइट करा के लाएँ और व्यू आप चेक कर सकते ऑसम मैन आज की ड्राइव बहुत अच्छी रही सारे दोस्त भी मिल गए उनसे भी मुलाकात होगी आपको भी ऐसे हरे भरे खेत भी आपको देखने को मिलेंगे अगर आप फैब से लेके मार्च के बीच में आते हैं ओके साइन ऑफ बाय बाय टेक केयर